Good morning, kids. Now today we are going to do next letter. That is letter F. E के बाद कौन सा letter आता है? Letter F. F says fur. This is letter F. Standing line and two slipping line. This is letter F. Now let's start its activity first. See beta, this is letter F. F says fur. Okay, now today we are going to do some different thing. Aaj hum ek different karenge, okay? With the help of these watercolors, this fabric color, you can use also poster colors beta. Okay, first of all we will make a fish. Okay, F says fur, fur fish bhi hota hai na, to hum pehle fish banayenge, theek hai? आपने कोई भी कलर लेना है और उसमें आपने अपने थंब को लाइक ऐसे डिप करना है, लाइक दिस ऐसे डिप किया तो हमने ऐसे इस पे थंब के साथ ऐसे लगाना, ओके? नाउ आई एम गोइंग टू यूज ग्रीन कलर, ओके? ऐसे ही थंब पे हम ग्रीन कलर लगाएंगे, like this, और इस पे ऐसे बना देंगे, okay? अभी हम इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, let it dry. अब ये dry हो गई, ठीक है? Now with the help of this marker, you can make a edges like this, make a eyes. और फिशेस के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, फिन होती है, और आप मार्कर से इसके ऐसे बना सकते हो, लाइक दिस, ओके? एंड आप मम्मा की भी हेल्प ले सकते हो, मम्मा विल हेल्प यू, लाइक दिस, ओके बेटा? लाइक दिस बेटा, इट सीम लाइक अ ब्यूटीफुल ना? अब F पे हमने कलरिंग नहीं करके क्या बना दी? विद द हेल्प ऑफ आवर थंब इम्प्रेशन दिस वी आर मेक अ फिश, है ना? फिशेस बना दी हमने अपनी थंब्स की हेल्प से. नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी. नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है? हमने क्या बनाने है? फ्लावर विद द हेल्प ऑफ फॉक. ये क्या है? फॉक, जिससे आप नूडल्स खाते हो, है ना, मैगी खाते हो. तो हमने इसके बैक साइड पे क्या लगाना है? कलर लगाना है, ऐसे ही कलरिंग करने के कलर्स लगाएंगे, डिफरेंट कलर, ठीक है? वाटर कलर. सी नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑरेंज वन, और हमने ऐसे इसको ऐसे स्टैम्पिंग कर देंगे, लाइक दिस, ओके? लाइक दिस. अभी मैम दूसरा फॉक लेंगे और उस पे मैम ब्लू कलर लगाएंगे, नहीं, ये एक्टिविटी अपने मम्मा के पास बैठ के करनी है. इट सीम नाइस ना? फिर हम क्या बनाएंगे? अब इसकी स्टेम्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर. ग्रीन कलर की स्टेम्स लीव्स होते हैं ना, तो ग्रीन कलर की हम फिंगर में इसको डिप करके इसकी ऐसे स्टेम्स बना देंगे, लाइक दिस. Okay, now it's done. See, it seemed like a beautiful, है ना, isn't it? तो आपने भी ये एक्टिविटी ऐसे ही मम्मा के पास बैठ के करनी है, okay? See बेटा, this is letter F. F says fur. For flower, अभी हमने एक्टिविटी की है ना, for flower, flower बनाया हमने, है ना? For fish, fish मछली को बोलते हैं. For frog, frog ड्रेस होती है जो गर्ल्स वियर करती हैं, फ्रॉक. फॉर फ्लावर, जिसको फूल बोलते हैं. फॉर फिश, फॉर फ्रॉक. एंड दिस इज लेटर F. F सेज फर. आप देख रही हो यहाँ पे डॉट पड़ी हुई है ना. नाउ लेट
स्टार्ट लेटर एफ। डॉट पे हमने पेंसिल रखनी है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड मेक अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस। ऐसे स्टैंडिंग लाइन बन गई। फिर हमने क्या करना है, ऊपर अगेन गो टू द टॉप एंड मेक अ स्लिपिंग लाइन, बिग स्लिपिंग लाइक दिस। ओके, नाउ गो अगेन इन द मिडल एंड मेक अ वन मोर स्लिपिंग लाइन इन स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज की बनानी है, इक्वल नहीं रखना। ओके, दिस इज लेटर एफ। ये क्या बन गया हमारा लेटर एफ। वॉच इट अगेन, स्टैंडिंग लाइन सिमिलर, जैसे आप ई को राइट साइड पे लेके जाते थे ना स्लिपिंग लाइन, वैसे ही लेके जानी है इसको भी राइट साइड पे, बिग वन। और ई की भी सेकेंड लाइन स्मॉल होती है और इसकी भी क्या होगी, स्मॉल होगी। हमने थर्ड लाइन नहीं डालनी। ओके, अगर आप इसको ऐसे बना दोगे, इक्वल कर दोगे, बेटा दिस इज नॉट राइट फॉर्मेशन, दिस इज रॉन्ग। और आप ऐसे भी कर दोगे ना, अगर आपने ठीक भी किया, वन स्टैंडिंग एंड वन स्लिपिंग लाइन एंड वन स्मॉल स्लिपिंग लाइन, और आप एक और स्लिपिंग लाइन डाल दोगे, बेटा ये भी लेटर क्या है, ये ई है, दिस इज रॉन्ग। हमने क्या लिखना है, लेटर एफ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन एंड सेकेंड स्लिपिंग। बस हमने थर्ड वाली स्लिपिंग लाइन नहीं बनानी इसमें। ओके बेबी, नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट योर सीक्वेंस राइटिंग ए टू एफ। ए टू एफ, फर्स्ट लेटर इज ए, लेटर ए। ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड, ई। What's come after D? It's letter E. E says A, F. What's come after E? It's letter F. F says F. Start again and you have to do sequence two times. दो बार करनी है आपने। A, B, C, D. E, F. It's done. And better do your work very neat and clean with accurate formation. Till then, bye-bye and take care.